सो हेलो एवरीवन दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए मैंने उसका वीडियो बनाना सही समझा। वो ये कि सर, जो हमारे कई सारे कार्ड होते हैं, जो इंटरनेशनल कार्ड या ग्लोबल कार्ड है, तो कौन सा कार्ड बेस्ट होगा जिससे हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकें या हमारा जो है पैकेज बाय कर सकें, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैकेज बाय नहीं किए हैं, वो भी किसी और पर ही डिपेंड है कि भाई वो बंदा कर दे, वो बंदा कर दे। तो खुद ही कई लोगों ने अपने कार्ड तो हालांकि बुलवा लिए हैं और उन्होंने कोई एक्टिवेशन भी वगैरह जो है हमारे पैकेज के एक्टिवेशन कर लिए हैं, बट फिर भी अभी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छूट चुके हैं, अभी कईयों ने अभी तक पैकेज बाय नहीं किए हैं। तो भाई बिना इंटरनेशनल कार्ड के या जो हमारा डेबिट कार्ड है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, उसके बिना आप जो है पैकेज बाय नहीं कर सकते हैं, राइट। इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है, जो इंटरनेशनल कार्ड होते हैं या जो ग्लोबल कार्ड होते हैं, उसमें आपको जो है जैसे नॉर्मल, जैसे गूगल पे, फोन पे, इनसे अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसमें जीएसटी वगैरह जो है कट जाता है, जो क्लासिक वगैरह कार्ड होते हैं उससे, राइट। तो यह ऑप्शन तो हमें यहाँ पे मौजूद है ही नहीं कि हम इससे पैकेज बाय कर सके, तो उसके लिए इंटरनेशनल कार्ड आपका होना जरूरी है। अब होता क्या है कि कई बैंक ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल कार्ड तो उन पर लिखा होता है लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं, जैसे कि SBI का कार्ड जिसमें इंटरनेशनल लिखा हुआ है, इसमें ग्लोबल कार्ड भी लिखा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें यह है कि उससे पैकेज जब बाय करने जाते हैं वो इंटरनेशनल कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो होता ही नहीं है, जबकि आप इंटरनेशनल के लिए उसे ऑलरेडी जो है इनेबल कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो है नहीं हो पाता, बैंक भी जाते हैं फिर भी नहीं हो पाता। कुछ लोगों के कार्ड से हो जाए बट मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आती है, तो मैं बोलूँगा भाई खासकर SBI, चलिए SBI से थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन आई थिंक होते हैं, मैं तो उससे करता नहीं हूँ तो इस बारे में ज़्यादा बताऊँगा नहीं, बट उससे शायद दिक्कत ही आती है मैक्सिमम को। और बैंक ऑफ इंडिया है जो ये नहीं, मैं बोलूँगा आई थिंक अवॉइड करें इनसे, आप कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अदर बैंक की, जो प्राइवेट बैंक होती है, उनकी सर्विसेज बड़ी ज़बरदस्त होती है, और आजकल वैसे भी जो है इंटरनेशनल कार्ड ही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आप नया बैंक अकाउंट भी खोलते हैं उसमें भी, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो HDFC का कार्ड होते हैं, HDFC का जो इंटरनेशनल कार्ड होता है बहुत बढ़िया होता है, उससे ट्रांजेक्शन भी बढ़िया होते हैं। इसके बाद में ICICI बैंक भी बहुत बढ़िया होता है, एक्सिस बैंक भी बहुत बढ़िया होता है, इसके अलावा जो यूनियन बैंक के भी थ्रू कई लोगों के ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी कुछ लोगों के ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन कई ऐसे भी नाम होते हैं जो हम सुनते नहीं हैं और हमें शायद लगता है कि हम गिने चुने बैंकों के ऊपर जाते हैं। मैं यहाँ पे नाम देना चाहूँगा, जैसा फेडरल बैंक का मैं यूज़ करता हूँ कार्ड, बहुत ज़बरदस्त है और आपको हैरानी होगी कि उसका आपके एरिया में ब्रांच नहीं भी हो तो भी आप उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, राइट। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा वो है। और उसके अलावा एक और है न्यूयॉर्क्स कार्ड करके आता है, जो है आपका इक्विटास बैंक का, राइट। ये छोटा सा बैंक है लेकिन ये बड़ा अच्छा काम करता है और इसमें ट्रांजेक्शन भी बहुत फास्ट होते हैं। और अप्रॉक्सली आपको मैं बता दूं अमाउंट जो लगता है, अलग अलग कार्ड्स पे अलग अलग ट्रांजेक्शन जो होते हैं, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर डिफरेंट ऑफ जो है चार्जेस लगते हैं। नॉर्मली जो है डॉलर का रेट रखता है उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट करते हैं, बट कुछ बैंकों के चार्जेस वगैरह डिफरेंट होते हैं। लेकिन आपको बता दें अप्रॉक्सली जो पेमेंट लग रहा है, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा नोट डाउन किया है, वो ये है कि यहाँ पर आई थिंक आपको 11,900 से लगा करके 12,500 रुपये तक का लगभग चार्ज लगता है, इसके बाद में और कोई चार्जेस नहीं लगता है, राइट। ये आपको मैं क्लियर बता दूं, ये इसमें थोड़ा अमाउंट आगे पीछे ज़रूर होता है, बट ये नहीं है कि आपसे कोई अगर बंदा 13,000 ले रहा है या 14,000 ले रहा है तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक अप्रॉक्सली राउंड फिगर जो लग रहा है वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही लग रहा है। और बल्कि कई बैंक तो ऐसे हैं जब आप उसमें जो है ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई फॉरेक्स में आ जाता है, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में आ जाता है, तो उसका अलग से जो है आपको बाद में अलग से उसमें जो है आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद जो है रिफंड जो उसमें और उल्टा आपको 200-300 रुपये वापस आ जाता है। तो कई बैंक ऐसे भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आप जहाँ भी जाएँ, देखिए आप जो इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड ज़रूर बनवा लीजिए, और अभी तक कई लोगों ने नहीं बनाया तो अभी सोच रहे हैं अब तो मैंने पैकेज बाय कर लिया उससे लेकर अब मुझे क्या ज़रूरत है। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको ये कार्ड हमेशा फ्यूचर में भी काम में आने वाले हैं। ये बात और है कि ऑनपैसिव का भी कार्ड हमारा फ्यूचर में आ जाएगा तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन अभी आपको पैकेज बाय करना है तो आपको इंटरनेशनल कार्ड होना आपके पास खुद के पास बहुत जरूरी है। तो अगर मैं रिकमेंड करूंगा कि HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और इसके अलावा जो है फेडरल बैंक, इसके बाद में न्यूयॉर्क जो आता है अपना इक्विटास बैंक, इसके अलावा और भी कई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आई थिंक कहीं उसमें काम कर रहा है और यूनियन बैंक है, लेकिन मैं पर्सनली अगेन बोलूंगा कि भैया आप बैंक ऑफ इंडिया या SBI के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। SBI फिर भी थोड़ा थोड़ा चल जाएगा लेकिन बैंक ऑफ इंडिया से तो बिल्कुल भी आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए दिक्कत आने वाली है। तो बिल्कुल अगर सिस्टम को सही फॉलो करेंगे, आप सही तरीके से समझेंगे इसमें कैसे इनेबल करना है इंटरनेशनल के लिए, तो
हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, एसबीआई से भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई कोई तो 15-20 दिन से परेशान है, उनका अभी तक जो है इंटरनेशनल नहीं वो कर पा रहे हैं, आई थिंक, पता नहीं, आई डोंट नो, वो सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं या उनका बैंक उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, राइट। तो बस आराम से सारे पैकेज आप बाय कीजिए, बहुत ईजी वे में सारा सिस्टम काम कर रहा है। और अभी तक आपने पैकेज बाय नहीं किया है ना दोस्तों, तो कर लीजिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जल्दी कंपनी की तरफ से जब बनेगा तो बेनिफिट उन्हें ही होगा जिन्होंने अपने पैकेज बाय किए हैं। तो बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल।